पापा ने जिंदगी भर कभी किसी खुशी का मुंह नहीं देखा। मैं और हाया बहुत छोटे थे जब जब अम्मा का इंतकाल हो गया। अभी तक अम्मा का गम वो दिल से निकाल नहीं पाए। मुझे और हाया को अम्मा ने दुनिया की हर नेमत ला कर दी। खुद पैवन लगे कपड़े पहनते थे और हमें कभी किसी साफ वक्त का एहसास तक नहीं होने दिया। आप प्लीज रोए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे लिए तो आपके ये दो मोती दो जहान से बढ़कर है। मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा ने सारी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता कर ली थी। मुझे दीनी और दुनियावी तरीब सबसे हरास्ता की। मैं ही उनका सारा जहान हूँ। मैं उनकी दिन रात हूँ। आपकी दीवानगी से घबरा कर उन्होंने उजलत में आकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। वरना मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। मेरे बीए का दाखला भी भिजवा दिया था। आपने मुझे और हम सबको किस दौराए पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, ये सब कुछ गलत लगता है क्या? पहले समझती थी। ठीक है, आपकी मोहब्बत सच्ची और खालिस है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। क्या भी आप क्यों नहीं समझते? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आपको इस बात की कोई कदर नहीं कि मैं यहाँ ना मेहरम के सामने बल्कि किसी और के साथ मंसूब होने के बाद भी यहाँ खड़ी हूँ। क्यों, किस लिए? के लिए इतना काफी नहीं कि मैं आपकी सच्ची मोहब्बत और प्यार की कीमत चुका दे आई। तो फिर फैसला कैसे? मोहब्बत तो अभी सीना ताने खड़ी। खुदा के लिए मुझे और आजमाइश में मत डाले हमारे। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। मेरे लिए तो आपसे छुप कर मिलने का गुनाह ही किसी आरी से काट देने के एहसास से कम नहीं है। आपके दो शेरों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। वादा करें मुझसे कि आप घर लौट जाएंगे। मैं आपसे आपके खुश रहने का वादा चाहती हूँ। मेरी जिंदगी मांग लो, वो ना मांगो जो मेरे पास में नहीं। क्या सारी जिंदगी एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? मुझे मुझे पूरा यकीन है कि इस जहान में तो नहीं, अगले जहान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। क्या मेरी सारी जिंदगी का हासिल
आपका एक वादा नहीं हो सकता, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपको हाथ मार देने के लिए तैयार, लेकिन जब मैं घर से चला था ना, तो बहुत दावे किए थे मैंने। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत की सच्चाई को कोई ताना दे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी वापसी हो तो मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊं। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो? क्या भी आप क्यों नहीं समझते? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आपको इस बात की कोई कदर नहीं कि मैं यहां ना मेहरम के सामने बल्कि किसी और के साथ मंसूब होने के बाद भी आ खड़ी हूँ। क्यों, किस लिए? आपके लिए इतना काफी नहीं कि मैं आपकी सच्ची मोहब्बत और प्यार की कीमत चुकाने आई? तो फिर फैसला कैसे? मोहब्बत तो अभी सीना ताने खड़ी। खुदा के लिए मुझे और आजमाइश में मत डालें अमान। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। मेरे लिए तो आपसे छुपकर मिलने का गुनाह ही किसी आरी से काट देने के एहसास से कम नहीं है। आपके दो शेरों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। वादा करें मुझसे कि आप घर लौट जाएंगे। मैं आपसे आपके खुश रहने का वादा चाहती हूँ। मुझसे मेरी जिंदगी मांग लो, मगर वो ना मांगो जो मेरे पास में नहीं। क्या सारी जिंदगी एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? मुझे पूरा यकीन है कि इस जहान में तो नहीं, अगले जहान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। क्या मेरी सारी जिंदगी का हासिल आपका एक वादा नहीं हो सकता? क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपको हाथ मार देने के लिए तैयार, लेकिन जब मैं घर से चला था ना, बहुत दावे किए थे मैंने। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत की सच्चाई को कोई ताना दे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी वापसी हो मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊं। थोड़ा सा वक्त दे दे। पापी, बहुत देर हो गई है। ईमान, हम बाहर बरामदे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टांगा आ गया है, जल्दी करो। Thank you.
मुझे यकीन है कि आज जब कभी भी जिंदगी में आपका नाम मेरे सामने आएगा तो उसमें कोई जो जल कर राख हो जाने वाली कोई बात ही नहीं होगी। जारी उम्मीद के साथ के आप यहाँ तक आने का मान रखेंगे, बस मेरी यही बताए और इसे जाया मत जाने दीजिएगा। ये एक मजबूर की इल्तिजा है आपसे। मोहब्बत